अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम सूरी एक बार फिर आपके साथ। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ बिजनेस अकाउंट्स। नाज़रीन, ये एरिया भी बड़ा वल्नरेबल एरिया है। सेल्फ बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड अकाउंट्स क्यों रिस्क के हामिल हैं? बिकॉज इनकी जो स्टेचुटरी डॉक्यूमेंटेशन है वो बेशुमार कंट्रीज में लैक करती है, नहीं होती, लिहाजा इनकी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस बहुत एहतियात से करनी है। माजी में हमने एजेंसीज के साथ इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो सीखा वो ये सीखा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करते वक्त इन अकाउंट्स की आप लूज छोड़ दें या वीक उनकी सीडीडी करें तो इसका नुकसान आपको, आपके इदारे और मुल्क को या नेशन को या लोगों को पहुंच सकता है। आज हम आपसे वो फैक्टर्स शेयर करेंगे प्रैक्टिकल जो इन अकाउंट्स में, फ्रॉडेंट अकाउंट्स में कॉमन पाए गए, आप उसे लर्न करिए। क्या फैक्टर्स हैं वो? सबसे पहले CNIC, उसकी एनालिसिस वेरिफिकेशन, उसमें मौजूद कस्टमर का परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस और सिटी ऑफ अकाउंट ओपनिंग। इसके बाद कस्टमर की रिहाइश या बिजनेस प्रेमिसेस, उसकी ओनरशिप का स्टेटस क्या है। उसके बाद उन प्रेमिसेस का विजिट, ऑफिशियल विजिट जो कि CDD का पार्ट है, वहां विजिट पर क्या करना है, उसकी वेरिफिकेशन कंफर्मेशन, वो एक फैक्टर है। एंड एट द लास्ट वो सोर्स ऑफ इनकम को वेरीफाई करना, उसकी कंफर्मेशन करना जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है बट वो डिस्क्लोज या मेंशन कर रहा है अपने अकाउंट में कि मैं इन जराए से पैसा कमाता हूं। ये वो फैक्टर है जनाब जो अगर कहीं वीक छोड़े जाए तो फ्रॉडलेंट पर्सन को मौका मिलता है। कोई अकाउंट खोलने में अगर कामयाब हो गया तो यकीनन वो इन अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन करके लोगों को चीट करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज हम एक छोटी सी केस स्टडी में देखेंगे कि ये फैक्टर्स किस तरह कस्टमर ड्यू डिलीजेंस को इम्पैक्ट करते हैं और इन अकाउंट्स को रोकने में कैसे कामयाब हो सकते हैं ताकि ये फ्रॉड या ये लोग अपने नजायज मकासद में कामयाब ना हो सकें। तो आए चलते हैं एक छोटी सी केस स्टडी की तरफ। तो ये है एक छोटी सी केस स्टडी जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक लेडी ने जनरल पब्लिक को कैसे चीट किया। जनाब एक कंप्लेंट रिसीव होती है साइबर क्राइम विंग ऑफ द एजेंसी को कि एक लेडी है, उसने बहुत सारे बैंकों में अपने अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं और सेल्फ मेड डिक्लेयर किया हुआ है, सेल्फ बिजनेस डिक्लेयर किया हुआ है और वो लोगों को चीट कर रही है। क्या कर रही है? वो जनरल पब्लिक से अपने इस अकाउंट में ऑनलाइन कैश मंगवाती है और उसके बाद उन्हें जिस पर्पज़ के लिए कैश आया था उससे इनराफ करती है, या तो बोगस डिलीवरीज भेजती है या अपनी टर्म से बैकआउट कर लेती है या पैसे देने से इनकारी होती है और डिलीवरी भी नहीं देती। इस तरह की कंप्लेंट थी जिससे लोगों को नुकसान हो रहा था और लोगों ने जाकर ये साइबर क्राइम विंग जो एजेंसी का है वहाँ कंप्लेंट लॉन्च की और उसके बाद इस एजेंसी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। एक अकाउंट आपके सामने रखेंगे सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे खुला और इसमें ये पैसे कैसे आए। जनाब अकाउंट खुलता है एक बैंक की शेखुपुरा ब्रांच में और वहाँ अकाउंट खोलते वक्त जो CNIC दिया गया उस पर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो मेंशन था वो लाहौर का था। ब्रांच ने अकाउंट ओपनिंग पे भी ये एड्रेस मेंशन किया और इसको KYC पे भी डॉक्यूमेंट किया। यहाँ ब्रांच ने क्या वीकनेस शो की कि कोई रेशनेल नहीं मांगा कि एक लेडी लाहौर की रेजिडेंट शेखुपुरा में अकाउंट क्यों खोल रही है। वर्बली बताया गया ब्रांच को कि वो लेडी रेंट पर रहती है शेखुपुरा में, बड़ा करीब ब्रांच के उसने बताया कि मेरा घर है। यहाँ पर भी जो लैग किया रेंटेड हाउस बताया गया बट रेंट एग्रीमेंट, कोई यूटिलिटी बिल, कोई और एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया गया, ना ही ऑन रिकॉर्ड पाया गया। फिर वर्बली बताया गया कि ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करती हूँ घर से, लेटर हेड पे एक सादे पेपर पे लिख के दे दिया। इसके अलावा कोई और एविडेंस, कोई और रिकॉर्ड सोर्स ऑफ इनकम की तसल्ली के लिए नहीं पाया गया। फिर इसका विजिट हुआ, दिस इज अ क्रिटिकल एंड क्वेश्चनेबल फैक्टर, प्लीज नोट इट। विजिट हुआ नहीं हुआ इसकी कंफर्मेशन नहीं है।
बट विजिट हुआ, जूनियर स्टाफ के साइन है विजिट रिपोर्ट पर, ब्रांच मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस अकाउंट पे देखी गई, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है रेंट का, कोई बिल नहीं है, विजिट हुआ और विजिट रिपोर्ट पे जूनियर स्टाफ के साइन हो गए कि जी ओके है। ये तो जब एजेंसी आई और एजेंसी ने लैंडलॉर्ड से जाके डिस्कशंस की तो पता लगा कि यहां तो कभी कोई लेडी रेंट पे रही नहीं, ये घर तो रेंट पे कभी चढ़ा ही नहीं। सो फिर ब्रांच स्टाफ ने बताया कि जनाब वो गए थे और स्ट्रीट के कॉर्नर से उन्होंने शायद वेरीफाई कर लिया था, गली में पानी खड़ा था, गली बंद थी, तो हम उसको वेरीफिकेशन नहीं कर सके और ना ही कोई वहाँ साइन बोर्ड या इंडिकेशन ब्यूटी पार्लर की हमने देखी थी। सो इस तरह ये जो फैक्टर्स थे ये आपके सामने मैं साथ साथ लैप्सेस भी बताता जा रहा हूँ, ये अकाउंट ओपनिंग को लेवरेज दे रहे थे। ये अकाउंट खुल गया और उसके बाद इसमें भी कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आई और आते ही एटीएम से विड्रॉ हो गई, ब्रांच इनको मॉनिटर न कर सकी, इनका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इस ब्यूटी पार्लर अकाउंट से मैच न कर सकी, ना ही एसटीआर रेज कर सकी। तो जनाब छोटी सी केस स्टडी से क्या सीखा हमने कि जनाब अगर सीएनआईसी पे मेंशन एड्रेस कुछ और हो और अकाउंट ओपनिंग सिटी कुछ और हो तो प्लीज इसे थोड़ा सा डिस्कस करें, इसमें रीजनिंग, इसमें रेशनेल मांगें कस्टमर से। डेफिनेटली रेशनेल्स होते हैं, हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट है दूसरी सिटी में आया है, कोई जॉब के लिए आया है, कोई किसी भी पर्पस के लिए, तो वो आपको बताएगा और आपको एविडेंस देगा। बट इफ देयर इज नथिंग टू डिस्क्लोज देन देयर इज सस्पिशियस। तो इस सस्पिशियन को देखने के लिए आप डिस्कशन पर आए। रेंटल अगर वो बताते हैं कोई कस्टमर के मैं रेंट पे हूं तो प्लीज रेंट एग्रीमेंट बिल्स इनको अहमियत दें, इनको लें, इनकी कॉपीज को, और न सिर्फ कॉपीज लें बल्कि जाकर लैंडलॉर्ड से इसकी कंफर्मेशन करें। अगर पॉसिबल है तो लैंडलॉर्ड के उस रेंट एग्रीमेंट पे सिग्नेचर लेकर उस पर लिखवा लें कि जी ये रेंट एग्रीमेंट जेन्युइन है, या ये कंट्रोल्स आप लोगों को फ्यूचर में किसी रिस्क से सिक्योर करेंगे, आपकी सीडीडी को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अगर वो कह रहा है कि जी मैं किसी छोटे स्मॉल बिजनेस को रन कर रहा हूं जिसकी स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते पाकिस्तान में, बहुत सारे काम ऐसे हैं, तो जनाब प्लीज अपनी सीडीडी को क्वालिटेटिव बनाने के लिए ट्राई टू गेट सम डॉक्यूमेंटेड विटनेसेस इफ पॉसिबल फ्रॉम द एरिया ऑफ दैट बिजनेस। कुछ लोगों से मिलें, कुछ लोगों से पूछें, उनके नाम नंबर एड्रेस नोट कर लें अपनी सीडीडी के डॉक्यूमेंट पे कि इनसे मालूम किया था। इफ ही हैज सम बिजनेस साइन बोर्ड अफिक्स, कुछ पिक्चर्स ले लें उनकी ताकि आपकी सीडीडी फ्यूचर में ऑथेंटिक रहे। कोई ये चैलेंज ना कर सके कि आप जाए बगैर, आप गए बगैर तसल्ली करके इन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये निकला है कि ये कंफर्म ही नहीं हो रहा कि आप गए थे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये कंट्रोल्स आपको डालने पड़ेंगे। अकाउंट मॉनिटरिंग में क्या सीखा कि अगर ऑनलाइन क्रेडिट्स आ रहे हैं तो जनाब मैच करें वैल्यू और नेचर दोनों को उसके प्रोफाइल में। अगर वो वैल्यूज और नेचर और वो ट्रांजेक्शन उसके प्रोफाइल से मैच होते हैं तो ओके, बट अगर नहीं होते तो इंस्टेंटली कस्टमर को पूछें कि ये मिस मैचेज हैं जनाब, ये बताएं हमें ये पैसे आपके कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, आपका बिजनेस डिफरेंट है, ऑनलाइन पैसे। अगर तसल्ली होती है तो ठीक है, अपडेट करें अपने प्रोफाइल को, आगे चलें, नहीं होती तो रेज द एसटीआर इमीडिएटली। सो ये है जनाब एक छोटी सी स्टडी और बड़ा सा लेसन। तो ये है नाजरीन आज का टॉपिक, आज की केस स्टडी, आज की लर्निंग। यकीन जाने अगर आप इन फैक्टर्स को हूबहू इंप्लीमेंट करें अपने सेल्फ एम्प्लॉयड अकाउंट्स खोलते वक्त, तो मैं यकीन से कहता हूं न सिर्फ आप, आपका बैंक और ये मुल्क और इसके लोग ऐसी एक्टिविटीज से यकीनन सेफ होंगे, आपकी सीडीडी किसी सूरत में क्वेश्चनेबल नहीं होगी और आप एक कंप्लायंट बैंक, कंप्लायंट स्टाफ कहला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लर्न करेंगे और इसे इंप्लीमेंट करेंगे। इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नई केस स्टडी और एक नई लर्निंग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।